दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिकेट इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए, क्योंकि अगस्त के महीने में हमें साल 2022 का वन ऑफ द बेस्ट और सबसे रोमांचक महामुकाबला देखने को मिलेगा, जहां पर एक तरफ इंडिया की बेस्ट टेस्ट 11 होने वाली है, वही दूसरी तरफ वर्ल्ड की बेस्ट टेस्ट 11 होगी। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, रोमांचक और शानदार ये मैच होने वाला है। और फाइनली यहाँ पर बीसीसीआई ने इस ऐतिहासिक एकमात्र महामुकाबले का पूरा कार्यक्रम भी जारी कर दिया है और इस वीडियो में आपको इस मुकाबले से जुड़ी ए टू जेड हर इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जहां पर हम जानेंगे कि किस तारीख को कितने बजे से यह मैच खेला जाएगा, कौन कौन से टीवी चैनल्स पर लाया जाएगा, क्या आपके विराट कोहली रोहित शर्मा खेलेंगे, क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी यहां पर इस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे या फिर नहीं। यानी भाई इस मैच का पूरा एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ हम इस महामुकाबले के लिए दोनों ही टीमों की फाइनल प्लेइंग 11 को भी पूरी तरह से एनालिसिस करने वाले हैं। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे क्रिकेट इंडिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस महामुकाबले की इंफॉर्मेशन के बारे में। तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने बीसीसीआई के पास एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा था, जहां पर इस लेटर में ऐसा लिखा गया था कि भारत सरकार ऐसा चाहती भाई अपकमिंग इंडिपेंडेंस डे आने वाला 75th इंडिपेंडेंस डे होगा, वहां पर एक स्पेशल महामुकाबला क्रिकेट को ध्यान में रखते हुए हो। जी हां, क्रिकेट इतिहास का सबसे ऐतिहासिक महामुकाबला भारत सरकार कराने वाली है, जहां पर भाई एक तरफ इंडिया की बेस्ट टेस्ट 11 होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ पूरे वर्ल्ड की बेस्ट टेस्ट 11 होने वाली है। जी हां, भारत सरकार यहां पर बीसीसीआई से लगातार रिक्वेस्ट कर रहा है, जिसके चलते बीसीसीआई भी इस महामुकाबले को होस्ट करने के लिए राजी हो गया है। और टिल नाउ जो डेट्स के रिगार्डिंग अपडेट है वो कुछ ऐसे, भाई यह महामुकाबला हमें 22 अगस्त को नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से लाइव देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग्स यहां पर थोड़ा सा सोच समझ कर डिसाइड की गई, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा कि 20 अगस्त तक भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर बिजी रहने वाली है, उसके बाद यहां पर टीम इंडिया के प्लेयर्स के बीच थोड़ा मतलब इनको टाइम मिलेगा, क्योंकि एशिया कप और इसके बीच थोड़ा टाइम रहेगा, जिसके चलते भाई 22 अगस्त वह तारीख चुनी गई जिस तारीख को हमें यह महामुकाबला देखने को मिलने वाला है। लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में हम बात करते हैं, भाई टिल नाउ अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि भारत में इस महामुकाबले को स्टार स्पोर्ट्स टेलीकास्ट करने वाला है। स्टार स्पोर्ट्स के जितने भी चैनल्स है, आपके स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 3, स्टार स्पोर्ट्स हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स कैसरी चैनल्स है, सभी चैनल्स पर हमें लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। यदि आप मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ बड़े अपडेट्स के बारे में जो इस महामुकाबले के रिगार्डिंग निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों पहला अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है भारतीय टीम के स्क्वाड्स को लेकर। जी हां, काफी सारे लोगों के सवाल थे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी इस महामुकाबले के लिए अवेलेबल होंगे या फिर नहीं। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि सभी खिलाड़ी यहां पर अवेलेबल होने वाले हैं, क्योंकि भाई 20 अगस्त को यहां पर भारतीय टीम का जिम्बाब्वे दौरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद यहां पर टीम इंडिया बिल्कुल फ्री हो जाएगी और इस महामुकाबले में खेलने के लिए बिल्कुल यहां पर सेलेक्शन के लिए अवेलेबल रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट की, तो ये अपडेट निकल कर आ रहा है वर्ल्ड 11 की टीम को लेकर। जी हां, सबसे बड़ा सवाल कि क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी पार्टिसिपेट करेंगे और क्यों यहां पर वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी भी थोड़ा सा मुश्किल में नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा कि जैसा कि आपको पता है कि भारत में यह महामुकाबला होने के लिए जा रहा है और अभी पाकिस्तान के खिलाड़ी भारत के दौरे पर आते हैं, भाई यहां पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का पार्टिसिपेट कर पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जिस टाइम पर यह मैच होने वाला है, इस मैच के जो डेट्स हैं, टाइमिंग्स हैं, वो यहां पर कैरिबियन प्रीमियर लीग 2022 के साथ कोलैप्स करने वाली है, जिसके चलते वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों का पार्टिसिपेट कर पाना भी यहां पर थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आ रहा है। तो चलिए फटाफट हम बात करते हैं इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड 11 की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस महामुकाबले में वर्ल्ड 11 की तरफ से ओपनिंग करने उतर सकते हैं डेविड वार्नर के साथ जोस बटलर, नंबर 3 पर हमें कप्तान केन विलियमसन देखने को मिलेंगे, नंबर 4 पर ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर डेविड मिलर, नंबर 6 पर लैम लिविंगस्टन, नंबर 7 पर होंगे साकिब अल हसन, नंबर 8 पर राशिद खान, नंबर 9 पर होंगे पैट कमिंस, नंबर 10 पर कगिसो रबाडा और नंबर 11 पर हमें ट्रेंट बोल्ट देखने को मिलने वाले हैं। वही हम बात करते हैं इंडिया की बेस्ट टेस्ट 11 की प्लेइंग 11 के बारे में। तो इस महामुकाबले में इंडिया 11 की तरफ से ओपनिंग करने उतरेंगे कप्तान रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल, नंबर 3 पर होंगे विराट कोहली, नंबर 4 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 5 पर ऋषभ पंत, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर मोहम्मद शमी, नंबर 10 पर जसप्रीत बुमराह, नंबर 11 पर हमें युजवेंद्र चहल देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसी हो सकती है इस महामुकाबले के लिए दोनों टीमों की फाइनल प्लेइंग 11, लेकिन इस मैच से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। लाल की स्टूडियो में इतना ही, ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब कर इंडिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।